मौत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों का मूड खराब हो जाता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, मगर किसी के चाहने या ना चाहने से मौत रुकती नहीं। इंसान उतना ही जीवन जीता है जितना उसकी किस्मत में लिखा होगा। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में जानना चाहिए। धरती पर मौजूद हर चीज का अस्तित्व एक ना एक दिन खत्म होना ही है। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहती है। क्या सच में आत्मा मृत्यु के बाद भी घर में मौजूद रहती है, और अगर रहती है तो कितने दिन तक रहती है? मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम हिंदू धर्म के हिसाब से देने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मृत्यु के बाद जीवन होता है। हिंदू धर्म के पुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत अहम माना गया है। यह पुराण जीने के साथ साथ मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी याददाश्त उसे सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। कोई भी अपना शरीर छोड़कर जाना नहीं चाहता। जब आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, उसे तकलीफ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से जुड़े रहने की कोशिश करती है। अक्सर देखा जाता है कि प्राण निकलने के बाद भी कभी कभी शरीर का कोई अंग हिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान दो यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। शरीर से निकलने से पहले ही आत्मा को यमदूत दिखने लगते हैं। जब आत्मा शरीर नहीं छोड़ती तो यमदूत उसके गले में पांच डालकर जबरदस्ती उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। आत्मा चीखती चिल्लाती है, अपने परिवारजनों से बात करने की कोशिश करती है, मगर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसके बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। मार्ग में सबसे पहले स्थान पर उसे उसके पाप और पुण्य का हिसाब दिया जाता है। आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों को याद करती है। 24 घंटे तक आत्मा को उसके कर्मों और उन कर्मों के परिणामों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उसे दोबारा उसके परिजनों के पास छोड़ दिया जाता है। यह आत्मा 12 दिन तक यही अपने परिवारजनों के पास ही रहती है। अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी ना उसे देख पाता है ना सुन पाता है। इस दौरान उसके परिवारजन पिंडदान करते हैं, पुण्य आत्माओं को भोजन कराते हैं, सारे रिवाज पूरे करते हैं। कहते हैं कि अगर पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। वो ऐसे ही ब्रह्मांड में बिलखती फिरती रहती है। इन्हीं 12 दिन में घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी करवाया जाता है, जिसमें इंसानों के कर्मों का क्या फल होगा ये सब कुछ बताया जाता है। फिर 13वीं के बाद फिर से यमदूत उसे लेने आते हैं। उसे यमपुरी के मार्ग में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां से उस आत्मा को खुद ही यमलोक के द्वार तक पहुंचना होता है और उस आत्मा को अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप यातनाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नया शरीर मिलने तक आत्मा को 47 दिन लग जाते हैं। वहीं आत्महत्या या दुर्घटना के कारण असमय मौत होने पर आत्माएं लंबे समय तक भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।